जानशीन शेख इस्लाम सदर जमीत उलमा हिंद हजरत मौलाना आसफ साहब मदनी दावत बरकात मेंबर राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर अपने ख्याल का इजहार फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। राजीव गांधी जी के वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने ये अकलियती कमीशन बिल ला करके अपना वादा पूरा किया है, ये बहुत खुशी की बात है और फख्र के साथ हम इस बिल की तारीफ करते हैं। ये मुल्क हकीकत में अकलियतों की अक्सरियत का मुल्क है और यहाँ अगर सीने को वसी कर एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करके और एक दूसरे को बर्दाश्त करके सही तरीके से शरीफ पड़ोसियों के साथ आ जाएगा तो ये मुल्क खराब हो जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, मुल्क में एतमाद बाकी नहीं रहेगा और यहाँ के बसने वाले कानून इंसाफ भलाई इंसानियत सब चीजों से महरूम हो जाएंगे और उसका नतीजा मुल्क को बदतरीन हालात में भुगतना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत अपने फर्ज को दयानतदारी से अंजाम दे और हुकूमत अपने मामलात में खसूस कानून और इंसाफ के बारे में किसी किस्म के फर्क को इम्तियाज को हर किस जायज न रखे और इसको न हो दे। लेकिन हमारे मुल्क में पिछले 40 वर्ष के अंदर कई हजार फसादात हो चुके हैं जो उनके असबाब पर गहरी नजर नहीं पड़ती और प्रेस निहायत तासुब के साथ जानबदाराना और गलत किस्म का रोल अदा करता है और फसाद को फैलाता बढ़ाता और मुश्तहिल करता है। सरकारी मिशनरी ईमानदारी से काम नहीं करती, फसाद में खुद का हिस्सा लेती है और अकलियतों को तबाह करती है, लुटवाती है, जान से कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं, जिंदा जलाए जाते हैं, औरतें जलाए जाते हैं, बच्चे दूध पीते बच्चे जलाए जाते हैं। कोई कानून कोई इंसान किसी किस्म की इंसानियत बरती नहीं जाती और मुजरिम बेसहारे सब कुछ करते हैं, सब देखते हैं और कोई मुजरिम आज तक हमारे मुल्क में सद फांसी नहीं दिया गया। हर अब्दुल गफ्फार खान साहब हिंदुस्तान आए थे मरहूम और सेंट्रल हॉल में हम सब ने उनका इस्तकबाल किया था। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह पूछा था कि इस मुल्क में गांधी जी का मुल्क है, इतने फसादात हुए, कितने मुजरिमों को फांसी दी गई, कोई जवाब नहीं दिया जा सका। तो हमारी मिशनरी कमिनल है और हुकूमत उसकी पूरी जानकारी और तरफदारी करती है और वो तमाम जरायम करवाती है और फसादात होते हैं, कत्ल किए जाते हैं, लूटे जाते हैं, जलाए जाते हैं और मुजरिम न पकड़े जा सके इसलिए उन मजलूमों को जख्मी हालत में हड्डियां टूटी हुई गिरफ्तार करके मुजरिम बनाकर जेलों में बंद कर दिया जाता है। कई कई घंटे पिटने लोहार हड्डियां टूटने के बाद अगर वो पानी मांगते हैं कि पानी दे दो, कहते हैं इनके मुंह में मूस दो, पेशाब कर दो, पानी क्यों मांग रहे। और किसी को FIR दर्ज कराने का कानूनी हक नहीं दिया जाता। जो अगर कोई FIR लेकर के जाए तो उसको गिरफ्तार करके उसी कटहरे में बंद कर दिया जाता है इस जुर्म में कि वो मुजरिमों को निशानदेही करने नाम लेने और
हुकूमत के आपका हो गया फाइल में उन लिख करके ये देने के लिए क्यों आया है कि बना बना आदमी पतल में लूट लेने आग लगाने में मनोबत, इसलिए उनको इस जुर्म में जेल लिख करके बुलाया है उसको भी जेल बंद कर दिया जाता है। तो सरकारी मिशनरी में कोई शख्स ईमानदारी से काम करे यह हो नहीं सकता। अगर कोई अफसर फसाद रोकने के लिए काम करता है तो कामयाब हो जाता है, रोक देता, लेकिन उसको फौरन धमकी दी जाती है कि तुम इस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, तुमको हटना पड़ेगा, और उसकी सजा में दिन नहीं गुजरते जो उसको हटा दिया जाता है। जो ईमानदारी से काम करे अफसर और फसाद को रोके उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ती है और उसको दलील किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। हुकूमत के अफसरान ये करते हैं, बड़े अफसरान करते हैं और उसको इसको शाबाश नहीं देते, इनाम नहीं देते फसाद रोकने पर, और जो खुद करके फसाद करवाते हैं सब कुछ उनको इनामात मिलते हैं, तरक्कियात होती है, अंदर अंदर सब कुछ होता है और उनको न कोई सतर्क करता है। और ये कह दिया जाता है कि तहकीक होगी और उसके बाद ही सजा दी जाएगी, लेकिन न तहकीक होती है न सजा मिलती है न कुछ होता है। ऐसे हालात है, मुसलमान अकलियत है और इस मुल्क में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ इम्तियाज एजुकेशन में, नौकरी में, तरक्कियात में, उनके गांव में सड़कों के बनने में, पुलों के बनने में, बिजली के बनने में और मिलने में, उनको इम्तियाज उनके साथ जान की हिफाजत में है, माल की हिफाजत में है, इंसाफ में है, कानून में है, जिंदगी के हर शोबे में जबरदस्त डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाज से गुजर रहे हैं। मुसलमान 40 वर्ष हो चुके और पूरे तरीके से इस तरीके से इंसाफ और कानून हासिल करने में नाकाम है, तो इसकी इनको इनके साथ ये सब चीजें बरती जाती है। अभी आसाम में एडीपी हुकूमत के जमाने में 30 आदमी नौजवान कंपटीशन में फर्स्ट उसमें पहली उसमें आ गए और उनमें से एक भी आदमी नहीं लिया गया और उस लिस्ट को छोड़ करके दूसरी लिस्ट। अब आप सच्ची मैं भी मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत लोग बोले इस तरीके से, माफ कीजिएगा, ये हमारे ही बारे में दिल आ रहा, अगर हम ही को आप मौका नहीं देंगे तो सिर्फ इन्हीं लोगों को मौका देंगे जो कुछ में नहीं चाहते मुल्क के अंदर, थोड़ा सा मौका हमें दीजिए ताकि कुछ तल्ख बातें यहाँ हो और मुल्क को जरूर महसूस हो कि मुल्क जानवरों का मुल्क बनेगा या इंसानों की, आप जरूर कहें लेकिन और लोग भी। मैं खुद मुख्तसर कर रहा हूँ, मुझे एहसास है कि मुश्किल हो, तो ये सूरत हाल बराबर चली आती है जिंदगी के हर शोबे में। इस मुल्क में कानून और इंसाफ को बार बार करके कमीन किस्म की कत्ल करने वाली, कत्ल की तैलीम देने वाली, नाजायज हथियार रखने वाली आरएसएस से की कम तीन दिन था, किसने गांधी की कहा, किसने गांधी की कहा, इस मुल्क में मनोरंजन जैसी तंजीम मौजूद है जो सर्विस को, हथियारों को और जुल्म को और कमजोरियों को और फिर परस्ती बाल गोलबाला करना चाहती है, शिवसेना जैसी मौजूद है जो हर वक्त धमकियां देती है और किसी को भी जिंदा देखना नहीं चाहती, और कौन कानून उनके लिए नहीं, बाकायदा लाखों वाले शहरों को शाखाएं बना करके और ट्रेन दी जाती है खुफिया हथियारों के कत्ल करने की और उसके लिए प्लान बनते हैं और ये सब कुछ हो रहा है, और हुकूमत और कानून बेबस है और कोई फौज है, पुलिस है, मुल्क की हिफाजत के लिए क्या जरूरत है कि कमरे पसंद की। मैं हम जब ईसाई प्राइम मिनिस्टर थे तो हम उनसे मिले और मौजूदा मुल्क की सिर्फ वारना सूरत हाल के मुताबिक बातचीत की तो कहने लगे कि आरएसएस के लोग आए थे, मैंने कहा कि ये करोड़ों मुसलमान तुम कत्ल करके खत्म नहीं कर सकते, तो मुरादी जैसा ईसाई जैसा आदमी ये इतराज बात की दलील है कि उनका ये एम है कि मुसलमानों को या कत्ल करो या सुनो और ये बाइक जिंदगी उनका खत्म कर दो। इस तरह के कई सदियों तंजीम मुल्क में है और हुकूमत और कानून बेबस है और अकलियतों को इंसाफ कानून के नाम पर कोई चीज नहीं मिलती, जराय फैला रहे हैं और उसको कानून जिससे नहीं, ये तमाम साजिशें इसलिए हो रही है कि यहाँ मुल्क में मिला करो पहले जो थे शुद्र वो खत्म हो गए, इसलिए आप दूसरों को शुद्र बनाया जाए और तमाम मिशनरी उस जुर्म का साथ देती और कोई इंसाफ दिलाने के लिए। अगर ऐसी सूरत में एक कमीशन बनता है जो अकलियत कानून इंसाफ के लिए कुछ लिखे
तो मैं कहता हूँ उससे बड़ी धांधली और दिलेरी का बुराई तो है ही, लेकिन ये दिलेरी का आलम है कि बिहार आकर के हाउस में इसके खिलाफ तकरीरें करें और दो कि हम जरा बयान करवाएंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे लाखों वाले चेहरों को, फौज है मौजूद है हिफाजत के लिए हिंदू मुसलमान सबकी, नहीं नहीं सिर्फ तमाम सब कुछ करेंगे और किसी को हक नहीं है कि मजलूम को हक नहीं मिलते। इसलिए मैं इस बात को मुख्तसर करते हुए चेयर की के हुक्म की तामील करते हुए बहुत तफसील में नहीं जाता, लेकिन निहायत जरूरी है और अगर हुकूमत ने तामील की है किस किस हुकूमत ने की है वो मुजरिम है और कांग्रेस हुकूमत से ला रही है काबिल मुबारकबाद है, इस काम को फौरन होना चाहिए और इससे सही तौर पर अच्छे लोग लाने चाहिए ताकि इस मुल्क की इज्जत रहे, ये मुल्क बचे तरक्की करे, इंसानियत हो अमन हो कानून हो, लोगों का मरना महंगा तो ऐसे ही होता रहता है लेकिन ये मुल्क सही रहेगा जब यहाँ इंसाफ कानून की हिफाजत हो और लोगों को जुल्म के खिलाफ इंसाफ मिले और हिंदू मुसलमान का हक में देखा जाए, न गालिम में न मजलूम, गालिम में भी देखा जाता है मजलूम में भी देखा जाता है, लाकानूनियत की इजाजत है और जो अगर कोई मजलूम मुसलमान हो तो उसको न कोई इजाजत है न हथियार है न सहूलत है न इंसाफ है न अदालत है न मुकदमा है न कानून है, यहां तक के एफ आई आर दर्ज करने का हक हासिल नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं दायर करते हुए बात